हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज के वीडियो में मैं आपको एयरटेल ब्रॉडबैंड की स्पीड टेस्ट करके बताऊंगा। गाइस, जो मेरा कनेक्शन है वो जयपुर राजस्थान के अंदर इंस्टॉल्ड है और जो मैं प्लान यूज़ ले रहा हूँ वो ₹799 का है, जिसमें मेरे को एयरटेल की तरफ से 100 GB डाटा प्रोवाइड किया जाता है और 40 MBPS स्पीड प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए गाइस, मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। ध्यान रहे गाइस, मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो स्पीड थोड़ी 1 या 2 MBPS वेरी कर सकती है। अभी एक्चुअली मेरे पास लैन केबल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं वाईफाई से आपको टेस्ट करके बताऊंगा, लेकिन जो वेरिएशंस जो आएंगे वो बहुत कम आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि जो मेरा मॉडेम है वो जस्ट मेरे सिस्टम के पास ही है। तो चलिए गाइज, मैं आपको स्पीड टेस्ट करके बताता हूँ। गाइज, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मेरे वाईफाई के यूज़र्स जो कनेक्टेड हैं वो भी मैं सिंगल ही हूँ, बाकी कोई कनेक्टेड नहीं है मेरे वाईफाई से। चलिए मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखिए गाइस, जो मेरा सिस्टम है उसी का ही मैक एड्रेस शो कर रहा है और एक ही डिवाइस कनेक्टेड है वाईफाई से, और जो मेरे हिस्ट्री है, जो क्रोम की जो हिस्ट्री है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए, मैंने हिस्ट्री भी क्लियर कर दी है। जो मेरे डाउनलोड्स हैं क्रोम के उनको भी मैंने क्लियर कर दिया है। जो मेरे टैम फाइल्स हैं उनको भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो मैं स्पीड टेस्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ अब। तो चलिए मैं आपको स्पीड टेस्ट करके शो करता हूँ। गाइज, मेरा बाय डिफ़ॉल्ट फ्यूज़न नेट वेब सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का सर्वर सेलेक्ट हुआ है, जो कि गुड़गांव का सर्वर है, जिससे मुझे 14 की जो पिंग आ रही है वो आ रही है, 14 मिली सेकेंड्स की पिंग आ रही है, और जो डाउनलोड की जो स्पीड आ रही है मेरे वो 36 to 37 MB/s पे वेरी कर रही है। एक बार एग्जैक्ट आ जाए। देखिए गाइज, जो मेरा डाउनलोड स्पीड आ रही है वो आ रही है 38.13 MB/s, और अपलोड आप देख सकते हैं 5 to 6 पे वेरी कर रहा है। गाइज, मेरे जो अपलोड आई है मैक्सिमम वो आई है 8 MBPS तक। एट द करेंट टाइम मैं वाईफाई से कनेक्टेड हूँ तो हो सकता है ये 1-2 MBPS अपलोड में नहीं करे। बाकी गाइज, एयरटेल अपलोड स्पीड पे कमिट नहीं करता है, एयरटेल सिर्फ ये जो डाउनलोड स्पीड होती है उसी पे ही कमिट करता है। अगर आप एयरटेल से पूछेंगे 1-to-1 पे मेल डाल के या फिर 1-to-1 एग्जीक्यूटिव से, तो वो यही बोलेगा कि एयरटेल अपलोड स्पीड पे कमिट नहीं करता है। तो चलिए गाइज, मैं अब आपको सर्वर चेंज करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर का जो सर्वर है स्पाइडर लिंक का उसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए, मैं या तो एयरटेल का ही सर्वर सेलेक्ट करता हूँ जयपुर का, मान लीजिए एयरटेल का ही सर्वर सेलेक्ट करता हूँ मैं। तो मेरे जो पिंग आ रही है वो एयरटेल के सर्वर से, वो बता देता हूँ आपको, वो आ रही है 28 मिली सेकेंड्स, और डाउनलोड MBPS आप देख सकते हैं 36 to 37 MBPS से वेरी कर रहा है, लगभग सेम ही है गुड़गांव के सर्वर से। ये देख सकते हैं आपकी 37.29 MB/s मेरे आ रही है स्पीड डाउनलोड की, और अपलोड मेरे आ रही है 5 to 6 MB/s, बिल्कुल सेम है गुड़गांव के सर्वर जैसा ही है हिसाब किताब। बस थोड़ी जो पिंग आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है, 28 MS आ रही है। आप देख सकते हैं 6.49 MBPS अपलोड पे आ रही है। अब मैं आपको कुछ चीज़ डाउनलोड करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड करता हूँ एमएस ऑफिस का ट्रायल वर्जन, मान लीजिए मैं डाउनलोड करता हूँ तो उसमें मेरे क्या स्पीड आती है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये जो मेरे गाइस स्पीड आ रही है वो आ रही है 3.6 MBPS, 3.94, मतलब ये 3 to 4 MBPS पे वेरी कर रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये 4.1 GB का मेरा डाउनलोड है, ये 17 मिनट मेरे को बता रहा है सिर्फ। तो ये आप देख सकते हैं 4.23 इस पे वेरी कर रही है। अब मैं आपको जो मेरे मॉडम के जो लाइन रेट्स हैं वो शो कर देता हूँ एक बार। ये गाइस, मैं हुआवे का मॉडम यूज़ कर रहा हूँ।
जो कि मुझे एयरटेल ने ही प्रोवाइड किया था। गाइज मेरे आप देख सकते हैं अप स्ट्रीम की जो लाइन रेट आ रही है वो आ रही है 7402। इसको देखते हुए जो मेरी अपलोड स्पीड है वो एकदम एग्जैक्ट है, मतलब एकदम सही है। और डाउन स्ट्रीम जो मेरे आ रही है 40426, जिसको देखते हुए मेरी जो डाउनलोड स्पीड है वो भी सही है। गाइज जो मेरा मॉडम मैक्सिमम जो अप स्ट्रीम गेन करता है वो करता है 7446 तक, और जो मैक्सिमम डाउन स्ट्रीम जो करता है वो करता है 44256 तक। ये गाइज आप मेरे लैन के जो सॉरी जो लाइन के पैरामीटर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं। ये मेरे सारे लाइन के पैरामीटर्स हैं। मेरे एरर्स जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 51, बाकी मेरे एकदम एग्जैक्ट हैं। मैंने 15 आवर से मॉडम ऑन कर रखा है। ये मैं गाइज एक्सटर्नल राउटर यूज़ कर रहा हूँ ये वाला। तो गाइज एयरटेल की जो स्पीड है जयपुर के अंदर, मैं बनी पार्क में रहता हूँ जयपुर के, तो यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो एकदम एग्जैक्ट आ रही है। कोई दिक्कत कोई इशू नहीं आ रहे मेरे को। बस इसमें ये दिक्कत है VDSL में कि इसका जो लाइन का जो है मतलब जो DSL लाइन है वो स्टेबल नहीं है। वो मेरे हर 3 घंटे में 4 घंटे में ब्लिंक करने लग जाती है। मैंने कहीं कंप्लेंट करा दी एयरटेल को, बट वो लोग बोलते हैं कि VDSL अभी तक जयपुर के अंदर स्टेबल नहीं हुआ है। तो गाइज आप ये देख सकते हैं मेरा जितना भी हिसाब किताब है मैंने आपको बता दिया है। मैंने एयरटेल की स्पीड टेस्ट करके आपको बताई है जिसमें मेरे ये रिजल्ट आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज, हैव अ नाइस डे।